सिक्स को करके एक तरफा कार्रवाई जो की पूरी तरह से गैर कानूनी है इनके द्वारा की गई है। जनता को जानने का अधिकार है किस प्रकार आपने एक प्रतिष्ठित टीवी चैनल की संवाददाता को किन परिस्थितियों में रात में जो कि बिल्कुल ही गैर कानूनी है आपने थाने में डिटेन किया है, किस कारणों से किया है, कम से कम अब अपने पाप का प्रायश्चित पीछे। पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के विक्रम सिंह कह रहे हैं ये गैर कानूनी है जो पुलिस कर रही है। और अरविंद केजरीवाल जी, अगर आप ये सोचते हैं, पहले तो मैंने ये भी रिक्वेस्ट की कि चलिए हम शीश महल पे सवाल नहीं पूछेंगे, भावना जो है उसको तो बता दीजिए सुरक्षित है कि नहीं, लेकिन अब तो मैं ये कह रहा हूं कि सवाल और पूछेंगे बॉस, और हम होगा तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी लेके जाएंगे कि महिला रिपोर्टर को कैसे आपने अंधेरा होने के बाद डिटेन करके रखा है या जहां भी रखा है कैसे रखा है, अब जवाब जो है ना वो देना पड़ेगा बॉस। और जो लुधियाना के विधायक थे उन्होंने हमसे कहा था, तुरंत पता करके बता रहा हूं कहां है महिला रिपोर्टर, अब उनको फोन करो तो वो भी फोन नहीं उठा रहे। हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बड़ी खबर पर बने हुए हैं। ऑपरेशन शीश महल के सवाल के वजह से आम आदमी पार्टी और उनके लोग और उनकी पुलिस किस तरह का व्यवहार कर रही है नवभारत के रिपोर्टर्स के साथ, आपके सामने हैशटैग ऑपरेशन शीश महल का बदला, हैशटैग शीश महल का बदला पर अपनी राय दीजिए। आप इस पर क्या सोच रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं।